वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारी छुट्टी है हम सबकी, तो हमने काफी दिनों से सोचा था कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन डेली ब्लॉग करना नॉट पॉसिबल। तो हमने सोचा कि दो चार दिन में जैसे जैसे टाइम मिलता रहे वीडियो बनाए और अपलोड करते रहे, ताकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। और आज हम सारे रूम पे ही थे, तो सोचा कि घूमने चले। लक्ष्य को मैंने फोन किया, लक्ष्य आए तो हमारे पास है अभी एक हेलमेट और एक, तो हमें ढूंढना पड़ेगा अगर कहीं मिलता है तो। अगर ऐसे ही कहीं मिल जाता है हमें किसी के पास ऐसे काम चलाओ के लिए तो ठीक है, वरना नया लेना पड़ेगा। बाद में लक्ष्य अपने तैयार हो रखे हैं, अभी चलते हैं धर्मपुर मार्केट की तरफ। अगर हमें मिलता है तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं मिलता है तो ये ब्लॉग ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही नॉर्मल ब्लॉग की तरह, और बने रहे वीडियो में। जी, हाँ, खाना कैसे बना था? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसा लगा खाना खा के? खाना खा के ठीक ही लगा, अच्छा था ना। वैसे अंडे वाला नहीं खाया? अंडे वाला नहीं खाया क्योंकि आज है मंगलवार, तो राणा जी अंडे खाते ही नहीं। आज के सुबह मैंने खा लिए थे गलती से। मतलब सुबह मैंने खाने ही थे अंडे। अच्छा, गलती से भूख लग गई। हाँ, मतलब आज तो मतलब मंगलवार के दिन अंडे भी खाने थे, वो भी गलती से नहीं, वो खा लिए थे। अच्छा, तो उससे हम क्या करेंगे कि आगे एक मंदिर पड़ता है धर्मपुर से, आगे पैदल चलते हैं, पैदल देख के आएंगे, मंदिर को भी देख के आएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो भाई पेट भर गया क्या? क्यों भरा? राणा जी बोल रहे क्यों भरा? मेरे फुड़ को पैर भी आ गया यार, खाना दे यार इसको। वेरी गुड यार, उसको खाएगा वो है। आज से फ्राई राइस और अंडा खिला रहे हैं। आज वो ये सोच रहा था यार, सुबह कोई आया नहीं। राणा जी आए ही नहीं बोला आज। मैंने सुबह हड्डी खिला दी थी, रात की बचा रखी थी सबकी, तो खुश हो गया था। चलो फिर मैं देखो पहाड़ी मत बोलो जी, धीरे धीरे चले। और बस मेरे को पहाड़ी मत बोलो जी। अब अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम आए धर्मपुर में। धर्मपुर क्या? धर्मपुर सिटी में। धर्मपुर सिटी है ये? हाँ, शहर है। जी ये है धर्मपुर। रोना जी, क्या आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे? अच्छा क्या यहाँ के लोग अच्छे लगे मुझे? हाँ, कैसे? वो टोपली पहन के चल रहा है ना। किस तरह की हेल्प की आपकी? हेल्प पता नहीं क्या करी है, जैसे मेरा टांग टूटा था ना, इन्होंने सही करी है। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या करा भाई? ऐसे जब मैं फिसल गया था, वो पहाड़ी से फिसल गया, गरम करके नीचे गिर गया, गरम करके। हाँ, वो उसके बाद टांग फ्रैक्चर हो गया। इन लोगों ने मेरा टांग। यहाँ धर्मपुर में यहाँ पे दिखने के लिए कुछ है नहीं, हम तो आए थे मार्केट में घूमने के लिए, लेकिन कुछ खास है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक धर्मपुर रेलवे स्टेशन है, तो को भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं क्या है वहाँ पे, कैसा है। और आते जाते ट्रेन दिखी तो बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। तो अभी राणा जी और लक्ष्य पीछे पीछे आते हुए, और बाबा जी मैं दोस्त आके जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको रेलवे स्टेशन में और आपको दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। यहाँ ऊपर है एक मंदिर, तो उससे पहले हम मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ नीचे स्टेशन में। बाबा जी पीछे देख सकते हैं, पीछे है स्टेशन और ऊपर है मंदिर। अब ये तो ये है मनसा देवी का मंदिर। ये नहीं है, यही है ये तो है। मंदिर है भाई, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जो है, तो अभी काम चल रहा है यहाँ पे।
मंदिर तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो इसकी वजह से हम अंदर जा नहीं पाए, लेकिन बाहर बाहर से माता के दर्शन तो कर लिए। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं और हम जाएंगे यहाँ से सीधा नीचे की तरफ। आपको दिख रहा होगा रेलवे स्टेशन है नीचे, और वहीं से ओके इसी ट्रैक पे चलते चलते रूम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे रूम के ही तुम्हारा बंदा नहीं आएगा। ये है धर्मपुर, ये है हमारे धर्मपुर का रेलवे स्टेशन और अभी हमें पता नहीं यहाँ पे क्या लगता है टिकट का क्या सीन है, हमें कौन सा यहाँ अभी ट्रेन लेनी है, लेकिन जो भी है सस्ती है यहाँ ट्रेन ट्रेन की टिकट। बात है कि ट्रेन की टिकट तो यहाँ लिखी होंगी है, प्राइस तो यहाँ भारतीय माउंटेन रेलवे में 10 जुलाई 2008 को शामिल की गई, जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण संबंधी सम्मेलन द्वारा तैयार। भाई आप इन चीज़ों इस चीज़ को पढ़ सकते हो यहाँ से वीडियो में। बाद बाकी तो उन लोगों को पढ़ा, मेरे भी तो खींच शायर में हट जाओ एक मिनट। ए उन लोगों को तो खींच, अरे यार ये तो साथ में मेरे को एक को काम आ रहा है क्या। राणा जी का कभी मुंह बंद नहीं रहता और डायलॉग पे डायलॉग निकलते हैं राणा जी के। और यहाँ पर बहुत गंदगी का सामना करता हुआ कौन राणा क्या करता हुआ राणा गंदगी का सामना करता हुआ तो कैसे करा? मुझे पता नहीं, मुझे भी पता चले रहा राणा से ऐसे देखे जाए तो यहाँ पे छोटे छोटे रिजॉर्ट। अरे काली कैसी आ रही है, काले गोरे का भेद नहीं। बीजाणु दूर है यहाँ से, तो बीजाणु दूर है नहीं, मैंने आगे से टनल आने वाला है, आगे तो वापस जाने का तो मतलब आगे से टनल है ना, देखना लोग भी तो चल रहे हैं इस रास्ते जाने में, यहाँ पे आना था वो तो है भाई, सही बात है। ये आगे कौन जा रहा है आगे आगे ढाबा सो फ्रेंड्स ये हमारे राणा जी हैं जो अभी पागल हो चुके हैं थोड़ा बहुत, ये बड़े कॉमेडी इंसान है हमारे। कौन सा डांस है देखो, अरे एक बार और अरे समझा करो है ना, स्टार्ट करो ये बहुत बड़ा टनल है। और ये आ गया हमारा टनल है ये रेलवे का, हम जाएंगे भाई जी और हम अभी इसी के अंदर से होते हुए जाएंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, बट हमारे रूम से ऐसा लगता है कि काफी बड़ा है, पर ये वाला टनल नहीं है ना वो। ओके ये दूसरा है, वो दूसरा है, मुझे नहीं लगता कि दूसरा है, ये वही है, वो है। अच्छा तो राणा जी का कहना है कि ये ठंड पुअर वाला है, मतलब बहुत दूर वाला है। ये यहाँ यहाँ अच्छा नहीं लगेगा ये बोलना, यहाँ देखो दो रुपये लोग हैं।
काफी गंदा किया हुआ है। खेल रहे हो? निशाना निशाना। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। कौन सा खेल है ये? हैं? ऐसे ही खेल रहे हो? नाम क्या तुम्हारा? हैं? मुकेश। तुम्हारा नाम क्या भाई? कमलदीप। अच्छा, कौन सा गांव है ये? हैं? सुखी जोड़ी। ठक्कर द्वारा। क्या बोला? ठाकुर द्वारा। खड़े का ठक्कर द्वारा, ठाकुर द्वारा। अच्छा, तुम पंजाबी हो? हिमाचली? हिमाचली भी नहीं हो? हिमाचली हो। वापस रूम पे पहुंच चुके हैं। सो गाइस, आज के लिए कुछ खास इंटरेस्टिंग था नहीं, पर लेकिन जो भी रहा, एटलीस्ट छुट्टी के दिन धर्मपुर घूमने निकल के आसपास के एरिया को देखा और आप लोगों को भी दिखाया। तो यही था आज का, और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।